आईपीएल 2024 में जिसे फ्रेंचाइजियों ने नहीं दिया था भाव, उसने इंग्लैंड में मचाया कोहराम। आंकड़े देख फ्रेंचाइजियों को होगा पछतावा। हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं क्रिकेट केसरी। क्रिकेट से जुड़ी सारी बिग अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें क्रिकेट केसरी को। तो जिस खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं सिद्धार्थ कौल है, जिन्हें आईपीएल 2024 में किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा था। इस बीच उन्होंने इंग्लैंड की काउंटी नॉर्थहैम्पटन के साथ करार किया है और काउंटी चैंपियनशिप खेलने का फैसला किया। सिद्धार्थ ने काउंटी के अपने पहले मैच में तहलका मचा दिया और आधी टीम को पवेलियन की राह दिखाई। सिद्धार्थ आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेल चुके हैं। आईपीएल वो लीग है जहां हर खिलाड़ी खेलना चाहता है और खेलने का सपना देखता है, लेकिन हर खिलाड़ी को कोई फ्रेंचाइजी खरीद ले ये तो पॉसिबल नहीं है। कई खिलाड़ियों को नीलामी में मायूसी मिलती है। आईपीएल 2024 में भी भारत का एक खिलाड़ी ऐसा था जिसे किसी भी टीम ने खरीदना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन ये खिलाड़ी इंग्लैंड पहुंचा और वहां अपनी गेंदबाजी से ऐसा तूफान मचाया कि देखने वाले देखते ही रह गए। ये खिलाड़ी है सिद्धार्थ कौल। सिद्धार्थ कौल को आईपीएल 2024 में किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा था। इस बीच उन्होंने इंग्लैंड की काउंटी नॉर्थहैम्पटन के साथ करार किया और काउंटी चैंपियनशिप खेलने का फैसला किया। सिद्धार्थ ने काउंटी के अपने पहले मैच में तहलका मचा दिया और आधी टीम को पवेलियन की राह दिखाई। सिद्धार्थ आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेल चुके हैं। नॉर्थहैम्पटन का सामना ग्लू शटरशर से था। ग्लू शटरशर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 409 रन बनाए, लेकिन सिद्धार्थ ने ऐसी गेंदबाजी की जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। सिद्धार्थ ने 29 ओवरों में 76 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। उन्होंने टीम के मिडल ऑर्डर और निचले क्रम को अपना शिकार बनाया। नॉर्थहैम्पटन की टीम हालांकि अच्छी शुरुआत नहीं कर सकी और 109 रनों तक आते आते 5 विकेट खो दिए। सिद्धार्थ के प्रदर्शन को देख हालांकि टीम खुश होगी, वहीं आईपीएल टीमों के मालिकों और टीम मैनेजमेंट को भी अपने फैसले पर पछतावा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। नॉर्थहैम्पटन में सिद्धार्थ के अलावा एक और भारतीय है और इन्हें भी आईपीएल में किसी भी टीम ने नहीं लिया था। ये खिलाड़ी हैं बल्लेबाज करुण नायर। नायर हालांकि अपनी छाप नहीं छोड़ पाए और बिना खाता खोले आउट हो गए। नायर वो बल्लेबाज हैं जिसने अपने पहले ही टेस्ट शतक को तिहरे शतक में बदला था। वह भारत के लिए टेस्ट में तिहरा शतक जमाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं, लेकिन इस शतक के बाद वह टीम में अपनी जगह सुनिश्चित नहीं कर सके और बाहर कर दिए गए और आईपीएल में भी फिलहाल वो किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन इस मुकाबले में सिद्धार्थ कौल का तूफान आया, जिन्होंने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया और कई दिल भी जीते। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या सिद्धार्थ कौल आईपीएल में खेलना डिजर्व करते हैं या नहीं।